वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण सस्ता नमः सस्यै नमो नमः। जय माता दी। नवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शक्ति दुबे आज आप लोगों के सामने नवरात्रि के बारे में कुछ चर्चा करूंगी कि आखिर नवरात्रि में किन किन माताओं की पूजा की जाती है, नवरात्रि के 9 दिन किन किन माताओं की अर्चना की जाती है और उनकी पूजा से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। तो आइए शुरू करते हैं। माँ दुर्गा के 9 रूप होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का प्रथम दिवस माँ शैलपुत्री को समर्पित है। नवरात्रि के प्रथम दिन हम माँ शैलपुत्री की आराधना करते हैं क्योंकि माँ दुर्गा के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री है। माँ शैलपुत्री का जन्म शैल या पर्वत से हुआ है, जिनकी पूजा करने से हमारे जीवन में स्थिरता आती है और इनकी अर्चना आराधना पूजा करने से विवाहित जीवन सुख में हो जाता है। माँ शैलपुत्री बड़ी ही दयालु देवी हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना करने से चंद्रमा से जुड़े हुए जितने भी दोष आप पर हैं या चंद्रमा का ग्रहण आप पर है तो माँ शैलपुत्री की पूजा करें। माँ शैलपुत्री की पूजा आप नवरात्रि के प्रथम दिन करें जिससे आपके जीवन में चंद्रमा से जुड़ी हुई जितनी भी दोष हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। माँ शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है। मूलाधार चक्र जागृत होने से आपके जीवन में खुशहाली, लाभ, स्थिरता आती है। माँ शैलपुत्री की कुछ महत्वपूर्ण कहानी है तो आइए हम शुरू करते हैं। ओम शैलपुत्री देवी नमः। ओम शैलपुत्री देवी नमः। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि माँ सती ने अपने प्राण कैसे त्यागे। मैं जानती हूँ कि आप सभी लोगों को ये बात पता होगी कि माँ सती ने अपने प्राण कैसे त्यागे, लेकिन फिर भी मैं आपको आज बताऊंगी कि माँ सती ने आखिर अपने प्राण कैसे त्यागे। तो बड़े ही प्राचीन समय की बात है कि एक बार माँ सती के पिता यानी प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा ही विशाल यज्ञ का आयोजन किया। माँ सती के पिता प्रजापति दक्ष ने एक बड़ा ही विशाल आयोजन किया यज्ञ का, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं, सभी राक्षसों, सभी पशु पक्षियों को आमंत्रण दिया, लेकिन उन्होंने माँ सती एवं भगवान महादेव को आमंत्रण नहीं दिया। यह खबर जब महादेव और माता सती तक पहुंचती है कि उनके पिता ने बड़ा ही विशाल यज्ञ रखा है जिनमें उन्होंने सभी देवताओं, देवियों, राक्षसों, पशु पक्षी आदि गणों को बुलाया है और हमें आमंत्रण नहीं दिया है, तो माता सती को ऐसा लगा
कि शायद मेरे पिता मुझे बुलाना भूल गए हैं। तो इस कारण माता सती महादेव से हट करने लगी कि मुझे भी अपने पिता के यज्ञ में जाना है, क्योंकि वो मेरे पिता का यज्ञ है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मुझे आमंत्रण देना भूल गए हैं। महादेव बोले, नहीं नहीं नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, हम बिना बुलाए नहीं जाएंगे। माता सती बार बार हट करने लगी, नहीं, मेरे पिता का यज्ञ है, मुझे जाना है, जाना है, जाना है। महादेव ने उनको कई बार मना किया कि नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते, क्योंकि हमें निमंत्रण नहीं मिला है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। महादेव के बार बार मना करने पर भी वह नहीं मानती हैं। फिर माता सती उन्हें बिना बताए वहाँ कैलाश से अपने पिता प्रजापति दक्ष के विशाल यज्ञ में पहुँच जाती हैं। जैसे ही वो यज्ञ में पहुँचती हैं, उनके पिता, उनकी माता, सभी उनके रिश्तेदार, सभी उन पर हंसने लगते हैं कि बिना बुलाए ये हमारे यज्ञ में आई हैं। माता सती ये सब सहन करती नहीं, सब उन्होंने सहन किया, लेकिन जैसे ही प्रजापति दक्ष महादेव के प्रति अपमान करने लगे, तो भी उन्होंने इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन ज़्यादा अपमान करते रहे प्रजापति दक्ष महादेव का अपमान करते रहे कि बिना बुलाए इनको यहाँ भेज दिया है, तो माता सती को क्रोध आने के कारण उन्होंने उसी यज्ञ में अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद जैसे ही यह बात भगवान भोले बाबा को पता चली, तो भोले बाबा बड़े ही क्रोध में आकर उनके आँखों से अश्रु धारा निकलने लगी। बहुत ही क्रोध में आकर वह उस यज्ञ में आए, उन्होंने सारा यज्ञ चौपट कर दिया, सारा यज्ञ नष्ट कर दिया, एवं प्रजापति दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर दी, क्योंकि माता सती प्रजापति दक्ष के कारण ही उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। माता सती ने प्रजापति दक्ष के कारण प्राण त्यागे थे। अगर प्रजापति दक्ष महादेव का अपमान ना करते, तो शायद माता सती क्रोध में नहीं आती और वह उस अग्नि कुंड में अपने प्राण नहीं त्यागती। तो महादेव को क्रोध आने के कारण उन्होंने माता सती के पिता प्रजापति दक्ष की गर्दन धड़ से अलग कर दी। उसके बाद माता सती की माँ भगवान भोले बाबा से अनुरोध करने लगी कि कृपया मेरे पति को जीवित कर दीजिए। महादेव ने दया करके प्रजापति दक्ष को एक बकरे की गर्दन लगाई, तो इस कारण माता सती ने अपने प्राण त्यागे थे। उसके बाद माता सती का पुनर्जन्म राजा पर्वतराज हिमालय के यहाँ हुआ। राजा पर्वतराज हिमालय के यहाँ पुत्री का जन्म लेने के कारण माता सती का नाम शैलपुत्री पड़ा, जिनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा भी कहलाती हैं। इन्हें वृषारूढ़ा के नाम से भी जाना जाता है। माता शैलपुत्री अपने बाएं हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं और दाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं, और इन्हें माता सती के नाम से भी जाना जाता है। यह बड़ी ही दयालु देवी हैं, यह वृषभ की सवारी करती हैं। इनकी पूजा करने से आपका मन शांत होता है और जीवन में स्थिरता आती है, और ख़ासकर इनकी पूजा करने से विवाहित जीवन सुखमय हो जाता है। तो
तो आइए हम माँ शैलपुत्री की आराधना करने के लिए उनके मंत्र का जाप करते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। आज की कथा को यहीं समाप्त करते हुए मैं आपसे मिलूंगी दूसरी कथा में। जब तक के लिए आप लोग नवरात्रि मनाइए। जय माता दी।